हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास फिजिक्स का एक और लेक्चर और लाइव क्लास में क्वेश्चन है हमारे पास, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षित स्थिति में ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इन ब्रॉड साइड ऑन अ पोजिशन, फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसके पहले की क्लास में मैंने एंड साइड ऑन पोजिशन अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी डायपोल के कारण, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है और बहुत अच्छे से यहाँ पर हम समझने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। ठीक है, देखिए डायपोल क्या होता है, एक सिस्टम है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसके बीच का डिस्टेंस 2a है, इतना याद रखना है। डायपोल या हम उसको विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे या उसको डायपोल, इंग्लिश में डायपोल और विद्युत द्विध्रुव, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है हमको, निरक्षीय स्थिति मतलब कि डायपोल से उसके मिड पॉइंट से ऊपर साइड हमको एक पॉइंट लेना है, ऊपर साइड निरक्षीय स्थिति में, जो कि उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, इस डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ठीक है, डायग्राम देखिए यहां पर, ये हमने एक डायपोल बनाया है जो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस से मिलकर बना है। याद भी करना है, साथ साथ समझना भी है, इसलिए मैंने ज्यादा मैं अच्छे से समझा सकूं ये सारी चीजें मैंने यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दी है। तो दोनों स्टूडेंट बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से मिलकर बना है, जिसके बीच का डिस्टेंस 2a है। हिंदी में भी हमने डेफिनेशन यही लिखी हुई है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2a है। और द्विध्रुव को ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, द्विध्रुव का जो माध्यम है कि हम किस माध्यम में प्रैक्टिकल करते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक k है। इंग्लिश में देखिए, इन फिगर कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ab कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस q एंड प्लस q एट सेपरेशन 2a प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वी आर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट p एट डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट o ऑफ द डायपोल इन इट्स ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। तो ब्रॉड साइड पोजिशन क्या होगी, जैसे ये डायपोल रखा हुआ है तो ऊपर साइड हम इसके मिड पॉइंट से जब कोई पॉइंट कंसिडर करेंगे, तो हमने r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p कंसिडर किया है, और यहां पर हम एक q नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज धनात्मक परीक्षण आवेश लेंगे। तो इस डायपोल के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो हम लोगों को यहां पर मिलेगी। अब समझना है यहां पर कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इसके पहले वाली क्लास में भी मैंने अच्छे से क्लियर किया है, जो हमारा एंड साइड ऑन पोजीशन है ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का केस है। तो ये जो थ्योरी है इतनी आप लोगों को कंप्लीट करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से मिलकर बना है, जिसके बीच का डिस्टेंस 2a है, दूरी दोनों के बीच की 2a है, इसके मिड पॉइंट से यहां से इससे r डिस्टेंस पर। अब एक चीज याद रख लीजिए, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा कि हमने इसका मिड पॉइंट लिया हुआ है और ऊपर साइड एक लाइन खींची हुई है r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p लेने के लिए, क्योंकि यहां पर हम इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ तो इसने इस डायपोल को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, ये वाला a हो गया, ये वाला a हो गया। अब जब इक्वल पार्ट में इसने बांट दिया तो कंडीशन याद रखनी है कि ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब कि ये हो गया हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो AP और ये PB, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, मतलब कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से पॉइंट P सेम डिस्टेंस पर है। तो आगे जब डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो ये बहुत काम में आएगा। इतना याद रखना है कि जब हमने AB के मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर निरक्षी स्थिति में ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन पर एक पॉइंट P कंसिडर किया है, यहां पर हमको इंटेंसिटी चाहिए ड्यू टू अ डायपोल इस द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक और ये वाला डिस्टेंस सेम है। तो जब हम ट्राइंगल बनाते हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं, दो साइड इक्वल होती है। तो अब देखिए यहां पर हमने लिख भी दिया है, अर्थात अनुप्रस्थ स्थिति में, अर्थात द्विध्रुव ए बी लंबवर्धक पर है, बिंदु P हमें जहां हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो यहां पर मैंने एक पॉइंट और लिख दिया है, P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच चार्जेस, मतलब कि दोनों आवेशों से समान दूरी पर है। कौन दोनों आवेशों से समान दूरी पर है, बिंदु P जहां पर हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया हुआ है, धनात्मक परीक्षण आवेश जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अब दोस्तों ये ध्यान रखना
कि हम दूरी कैसे निकालें, क्योंकि जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके पहले की जो डेरिवेशन है ना उसमें भी आप लोग चेक कीजिएगा, मैंने कंप्लीट किया, E इज इक्वल्स टू, ये हम लोगों को याद रखना है, 1/4πε0 के इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। ये कहां से आया है, हमने इसी चैप्टर में, ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, इसको स्टार्टिंग से मैंने कंप्लीट किया है, वहां पर जाके एक बार चेक कीजिएगा। पहले कूलम्स लॉ था, देन उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एफ अपॉन क्यू नॉट, और हमने एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, तो वो इक्वल 1/4πε0 के इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर आया है। इसी कारण अब यहां पर जब हमारे पास डायपोल रखा हुआ है तो हम माइनस क्यू चार्ज से अलग इंटेंसिटी निकालेंगे, प्लस क्यू चार्ज से अलग इंटेंसिटी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और रिजल्टेंट मतलब कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को चाहिए होगी। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूरी की बात आ रही है, तो Q से, ये वाले माइनस क्यू से पी के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की दूरी भी हमको पता होना चाहिए, प्लस क्यू आवेश से पी के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दूरी भी हम लोगों को पता होना चाहिए था। अब देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या किया, दोनों की दोनों डिस्टेंस चाहिए, एपी और बीपी दोनों हमको दूरी निकालने के लिए हमने यहां पर एक ट्रायंगल ले लिया, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, तो यहां से हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, पी और बी के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि पीबी और एपी दोनों सेम है, एपी और पीबी दोनों सेम है। तो देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने पी ओ बी या बी ओ पी, तो राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड, हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिख दिया, हाइपोटेनियस था पीबी, इसका होल स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पीओ प्लस ओबी, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन यहां पर क्या है, पीबी किसके इक्वल है, एपी के, तो एपी इज इक्वल टू पीबी, और ये हमारे पास एपी। अब जब पीबी स्क्वायर या एपी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रखेंगे, और जब एपी और पीबी इसकी वैल्यू चाहिए होगी तो हम रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रखेंगे, स्क्वायर का ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए दोस्तों, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा, इतनी थ्योरी आप लोगों को एग्जाम में कंप्लीट करनी है, ये बेसिक चीज है, एक बार थोड़ा सा टाइम देकर आप क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आपको जरा भी टाइम नहीं लगेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना एग्जाम के लिए। अब मैंने सारी चीजें निकाल दी, डिस्टेंस भी निकाल दिया है, अब हमको इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, माइनस क्यू से अलग चाहिए होगी, प्लस क्यू से अलग चाहिए होगी, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, इस प्लस क्यू से इस पी पर इंटेंसिटी, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इवन हो जाएगी। अब समझिए इवन ई टू की कंडीशन क्या है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है, तो प्लस क्यू से जब इंटेंसिटी बनेगी, देखिए ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, हमने पढ़ा है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो इसका डायरेक्शन ये बना हुआ है, यहां से एक समझने वाला कॉन्सेप्ट बनेगा, बाकी डेरिवेशन तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज से बिंदु पी पर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगी E2, इसका डायरेक्शन इधर है, बट जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए होगी, मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि एग्जाम में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं समझा दूंगा, आप लोग समझिएगा उस चीज को। यहां पर एक इसका डायरेक्शन इधर चला गया, मतलब इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए, दोनों जगह नहीं मिलने वाली क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो गया भाई, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए हमको एक चीज याद रखना है, क्योंकि देखिए ये दोनों डायरेक्शन इनकी अलग अलग है, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इनका मैग्नीट्यूड परिमाण दोनों का समान है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अलग अलग है, एक ऊपर चले गए इसका डायरेक्शन नीचे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए हमको कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, तो एक कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर, और एक होता है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, और ये हो जाएगा क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर हो गया, ये क्षैतिज हो गया, ठीक है। तो एक कंपोनेंट आप लोगों को याद रखना है, आगे भी चीजें आएगी, कंपोनेंट या घटक जो कि एक ऊर्ध्वाधर होता है और एक क्षैतिज घटक, तो ऊर्ध्वाधर होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इस इन दोनों चीजों को समझिए, ऊर्ध्वाधर घटक कंपोनेंट साइन थीटा और कॉस थीटा, तो हमने इसके पैरेलल एक लाइन खींची, तो ये हो गया हमारा क्षैतिज घटक कॉस थीटा, से हम यहां पर इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, यहां पर हमको इसका परिणामी मिलेगा, तो हमने इसको मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया। अब ये हो गया इवन एक्स, जो कि कॉस थीटा वाला केस है, ठीक है, कॉस थीटा वाला केस है, ये हमारा क्षैतिज घटक हुआ कॉस थीटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये देखिए यहां पर मैंने इवन वाई लिखा हुआ है, ई टू वाई लिखा हुआ है,
इसका डायरेक्शन ये एक ऊपर चले जाएगा या नीचे चले जाएगा, तो यहां भी हमको रिजल्टेंट नहीं मिलेगा। इस वजह से यहां पर हम क्षैतिज घटक लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यहां पर ये याद रखना है आप लोगों को। अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं और डेरिवेशन सॉल्व कर रहा हूं। आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू, अब इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इवन हम लोगों ने निकाली 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन बीपी, डायरेक्शन और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये समान पता होना चाहिए, बीपी बीपी का स्क्वायर, डायरेक्शन पता होना चाहिए। आगे चल रहा हूं यहां से, मैं ध्यान से देखिएगा, इवन हो गया हमारे पास बीपी था, तो इवन हो गया हमारे पास 1/4πε0 q upon r square plus a square bp, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट p, ड्यू टू पॉइंट p टू चार्जेस माइनस q, ठीक है, p ड्यू टू चार्जेस माइनस q मतलब माइनस q आवेश के कारण बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता e2, डायरेक्शन जो मैंने डायग्राम में आप लोगों को बताया उसको आपको समझना होगा, 1/4πε0 के q upon ap का स्क्वायर, और ap और bp दोनों सेम है, ये याद रखना, ap और bp दोनों सेम है तो दोनों के स्क्वायर भी सेम होंगे, और E2 is equals to 1/4πε0 k q upon r square plus a square, ये दोनों की हमने इंटेंसिटी निकाल ली। अब देखिए दोस्तों, यहां अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात हो रही है, मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल्स टू ई वन एक्स प्लस ई टू एक्स, ई वन एक्स प्लस ई टू एक्स, यहां पर कंपोनेंट की बात हो रही है, कंपोनेंट की बात हो रही है जो कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक है, ये समझना होगा, क्योंकि हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए थी, तो हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए क्या किया, यहां पर एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक ले लिए, यहां से साइन थीटा लिया, इसको हम नहीं लिखेंगे, ये दोनों एक दूसरे को शून्य कर देंगे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए, विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमने एक कंपोनेंट E1x और E2x cos थीटा लिया, क्षैतिज घटक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये याद रखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट याद रखना है। अब यहां पर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा, क्षैतिज घटक होता है cos थीटा, उसके पैरेलल हमने एक लाइन बनाई है और वहां से हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे, तो E1x is equals to हो जाएगा E1 cos theta और E2x is equals to हो जाएगा E2 cos theta, equal E1x की जगह पर हम लिख देंगे E1 cos theta plus इसकी जगह पर हम लिख देंगे E2 cos theta, ठीक है। अब देखिए E1 equal E2, दोनों का डिस्टेंस सेम है, मतलब इंटेंसिटी दोनों की सेम है, दोनों के डिस्टेंस पॉइंट P से सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी, E1 और E2 आप चेक कीजिएगा दोनों समान है। ये देखिए यहां पर 1/4πε0 इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां पर हम E1 के प्लेस पर E2 लिख सकते हैं और इसको दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह पर भी मैंने E1 cos थीटा लिख दिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2E1 cos थीटा। अब दोस्तों E1 की वैल्यू तो है हमारे पास, बस cos थीटा निकालना होगा, तो cos थीटा के बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक बार वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर हम, E इज इक्वल्स टू 2E1 की जगह पर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos थीटा। अब cos थीटा चाहिए होगा, cos थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, तो डायग्राम एक बार मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ, डायग्राम को फिर से देखिए, वो जो cos थीटा होगा उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के फॉर्मूले में, cos थीटा इक्वल होता है आधार बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां पर से अगेन हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस जो PB है वो हम लोगों ने निकाला है रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो cos थीटा की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास POB, तो यहां से मैं पूरी डिटेल लिख रहा हूं, आप बहुत अच्छे से इसको समझिएगा और कंप्लीट कीजिएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल POB, cos थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब cos थीटा आधार क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास इसका बेस हो जाएगा a अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये यहां पर देख रहे हैं, तो cos थीटा से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आई है a अपॉन रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, e इक्वल
अब मैं इसको लिख रहा हूँ 1/4 pi epsilon naught k और 2a into q, ठीक है, ये वाला a इसको साथ में लिख दे रहा हूँ, और r² + a² into, देखिए दो स्टेप मैंने एक साथ कर दिए, q/r² + a², यहाँ पर एक q लिख दिया, r² और cos थीटा की जो वैल्यू रखने वाले थे हम a/√में, तो इसको मैं सिर्फ 1/√में r² + a² लिख रहा हूँ। और दोस्तों ये वाला जो a है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण p = 2a into q। तो अब हम क्या करेंगे, e = 1/4 pi epsilon naught k, और इसकी जगह पर ये लिख देंगे p/r² + a², और इसको साथ में लिखेंगे r² + a² रूट में लिखा हुआ इसकी पावर 1/2। अब दोस्तों यहां से कंसेप्ट समझना है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बेस समान हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो e = 1/4 pi epsilon naught k और p/, ये हो जाएगा r² + a² पूरे की पावर 1 + 1/2, तो 2 × 2 और 1 = 3/2, तो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/4 pi epsilon naught k into p/, ये हो जाएगा r² + a² पूरे की पावर 3/2। ये याद रखना है, पावर में 3/2 लिखा हुआ है। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी यहां पर हम लोगों को बहुत अच्छे से देखना है। दोस्तों जब डायग्राम हम लोगों ने देखा तो डायग्राम में r की वैल्यू ज्यादा है, तो सीधा सीधा आप यहां पर इतना लिख सकते हो r is very much greater than a। जब हमको यहां पर डिस्टेंस की बात आ रही है तो जो a है वो थोड़ा कम है और r² ज्यादा है, ठीक है, p ज्यादा दूर है डायपोल से, पॉइंट p ज्यादा दूर है डायपोल से a के कंपैरिजन में, ठीक है, r और a मतलब r इज वेरी मच ग्रेटर देन ऑफ a। इस केस में हम a इज इक्वल्स टू कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, तो e इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/4 pi epsilon naught k into p/r² + इसकी जगह पर हम रख देंगे 0 पूरे की पावर 3/2। आगे के एक स्टेप हम क्लियर कर देंगे यहां से, e = 1/4 pi epsilon naught k into p/r² पूरे की पावर 3/2, इस 2 से ये कैंसिल, तो यहां के एक स्टेप में यहां लिख रहा हूं 1/4 pi epsilon naught k into p/r³। ये हमारा डेरिवेशन है, लेकिन अभी एयर और वैक्यूम में मतलब कि वायु या निर्वात में k इज इक्वल्स टू होता है 1, तो जब k इज इक्वल्स टू 1 होगा तो E इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/4 pi epsilon naught k, 1 हो गया, इनटू p/r³। ये हमारा फाइनल डेरिवेशन है जो हमको चाहिए था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हमको विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, तो वो आएगा फाइनल डेरिवेशन e = 1/4 pi epsilon naught p/r³। अब इसकी यूनिट चाहिए, तो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, या इसको आप NC इनवर्स भी लिख सकते हो। फाइनल डेरिवेशन है दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू से ये सारी चीजें आप परफेक्ट नोट्स बनाइए, लगातार हमारी लाइव क्लासेस पर कंप्लीट चल रही है, तो एक एक करके हम सारे डेरिवेशन चैप्टर 1 चैप्टर 2 सारे डेरिवेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट होगा तो एक छोटा सा कमेंट आप लोग करके बताइएगा, ताकि मैं चीजों को और अच्छे से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा डिटेल आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके पहले वाला जो वीडियो है वो अक्षीय स्थिति वाला था, मतलब एंड साइड ऑन पोजीशन था, चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का एक डेरिवेशन। तो ये मैंने इसकी पूरी थ्योरी लिया, इसकी थ्योरी भी लिख दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दी है, तो दोनों स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आप इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सके, और मेरे साथ बने रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपनी तैयारी बहुत अच्छे से बेहतर बना सके। तो दोस्तों ये हमारा निरक्षीय स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। नेक्स्ट क्लास में अगले डेरिवेशन के साथ एक बार फिर से मिलूंगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।